रास्ते में बन रहा है बेथू और चलाई की सब्जी। मम्मी ने तड़का ही तैयार कर रखा था डालने के लिए। और ये है प्याज और लहसुन, बहुत सरल तरीके से बन जाता है बेटा बेथू की दीदी ना, और हेल्थी भी होती है बहुत ज्यादा। बहुत सरल माँ बेथू को और कुछ भी बोलते हैं जैसे किसी को समझ में नहीं आएगा क्या है बेथू। अच्छा इसको बेथू ही बोलते हैं, चुहा सुना होगा, चलाई के लड्डू भी बनते हैं तो उसकी भुजी है ये हरे पत्तों की ना। अगर बेटा तड़का अच्छा हो ना तो सब चीज अच्छा हो जाता है। और भुजी में सबसे सिंपल तड़का मारो और लाल मिर्च वाला नहीं होता है बस वो बहुत टेस्टी होता है। बस तो आप भी खाइए चलाई की भुजी और हेल्थी हेल्थी हो जाइए सुबह सुबह नाश्ते में। और भुजी की खास बात ये होती है कि इतना सारा वो दिखता है लेकिन बनता है इतना सा है, दो कटोरी, इसकी भी दो ही कटोरी बनेगी। तो देखो ये भुजी तैयार हो गई है, मैंने बोला था ना दो कटोरी बनेंगी तो ये गिन के दो ही कटोरी है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है बचपन में पड़ा होगा आपको ज़्यादा पकाने से ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई है और अब बनाने वाले हैं हम स्पेशल प्रोटीन शेक। आप भी ट्राई करना ये वाला प्रोटीन शेक। क्या हो गया, सिलेंडर यहाँ पे एकदम ख़त्म हो चुका है। वैसे टेढ़ा करके जब हम ऐसा करते हैं ना तब गैस चल जाती है लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। खत्म हो गया, अब दूसरा सिलेंडर लाइव अभी से। तो गाइस जैसी प्रोटीन शेक बनने वाला था ना उससे पहले हमारा सिलेंडर खत्म हो गया और हमें यहाँ पे आना पड़ा। गाइस ये है हमारा तहखाना जहाँ पे हमारा सारा गोदाम का सामान रहता है, बिस्किट, नमकीन, रस और हमारा सिलेंडर भी यहीं पे रहता है। और बचपन में हमारी ये फेवरेट जगह थी क्योंकि हमें लगता था यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा लेकिन ये सारे तो पैक्ड होते हैं, हम कुछ नहीं ले सकते। पर मज़ा आता था यहाँ पे रहने में। वो देखो ये पत्तल है जो हमें ओपन सामान दिख रहा है और इसमें रस, बिस्किट, ट्विन बाइट सब कुछ है। शाबाश बाहुबली, बाहुबली, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप प्रोटीन स्मूदी भी बोल सकते हो। तो उसके लिए हमें चाहिए मिल्क, ओट्स और पीनट बटर और केला। पीनट बटर भी चाहिए? हाँ। पीनट बटर चाहिए, केला चाहिए और पानी चाहिए और पानी प्रोटीन चाहिए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन चाहिए। तो हमें ओट्स और क्या करना है पहले बता दे प्रोसेस, मुझे नहीं पता क्योंकि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दो स्कूप ओट्स। जीवन ओट्स और प्रोटीन के बीच झूल रहा है दोस्तों हमारा, ख़त्म हो गए। दो स्कूप ओट्स डाल दिया हमने, सारे डाल यार ख़त्म हो गया। जब आपको लगने लगे कि दो ही स्कूप बचे हैं या थोड़ा सा ज़्यादा तो पूरा पैकेट ही ऐसे उलट देने का। और उसके बाद डालेंगे हम दूध। ये गाय का दूध है? गाय का दूध। अच्छा आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गाय का क्योंकि गाय का आजकल मिल ही कर रहा है। तो ओट्स के ऊपर हमने डाल दिया है मिल्क, आई थिंक दो ग्लास। अच्छा जितने लोग उतने ग्लास मिल्क, पानी भी मिला सकते पर दूध ज़्यादा है अभी हमारे पास। और एक चम्मच पीनट बटर, ये है पीनट बटर। तो एक चम्मच हमने डाल दिया पीनट बटर। हेलो रे, तो ये जो पीनट है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, आपको पता ही है कि पीनट को जब पीसते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। तो सर क्या ये पेट में नहीं चिपकता होगा जब ये ऐसे ही इतना चिपक रहा है? अभी दूध के साथ है ना, अब नहीं चिपकेगा। अच्छा और एक स्कूप प्रोटीन। तो फाइनली हमारी प्रोटीन की बारी आ गई है तो हम इसमें एक चम्मच प्रोटीन डालेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स करने वाले हैं हम इसमें।
कितना प्रोटीन मिल जाता है सर इससे? इससे 30 ग्राम। 30 ग्राम एक स्कूप में है? अच्छा नहीं, अगर हम 1 ग्लास ऑफ ये पियेंगे तो इसमें 1 ग्लास में कितना प्रोटीन है? इसमें होगा एक आदमी का 20 ग्राम। 20 ग्राम प्रोटीन, ओके। तो इसको हमने ऐसे लगा दिया और ग्राइंड कर देना है दोस्तों। अब गाइस ये हमारा तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो 2 ग्लास हमारे रेडी है, फटाफट पी जाओ और प्रोटीन की कमी दूर करो। ये है हेल्दी ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते में भाई यही खाना है। तुम हमारी बैंड बजवा के रहोगे, मतलब ये नाश्ता नहीं करना है, अब यही पीना है बस। ये देखो हमारा नाश्ता एकदम रेडी है। तो अगर आप नाश्ते में बस ये खाते तो दिन तक की आपकी छुट्टी। तो लो फैट है, अब देखते हैं कि अब्बू का ये नुस्खा काम आता है कि नहीं। मतलब सब कुछ एक महीने में सोचा, सब कुछ ट्राई कर लिया दोस्तों, अब ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे तो प्रोटीन शेक मैंने पिया, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मिला के मैंने नहीं पिया। नॉट बैड, अच्छा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है, ट्राई कर सकते हो। माँ प्रोटीन पियोगे? बेटा मैंने तो नाश्ता कर लिया है, आप प्रोटीन पी लो। तो गाइस अभी बज गया है 2 और मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई हूँ। तो अभी खाने का टाइम हो रहा है और मम्मी ने बोला है कि अचार लेके आ जा, तो मैं अचार लेने जा रही हूँ। और हमारा वो तो क्या फ़ायदा है कि हमें अचार एकदम फ्री मिलता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ पैसे नहीं देने पड़ते। कितना मज़ा है ना हमें, कितने मज़े हैं ना हमारे। और मम्मी को भी वही आदत पड़ गई है। मम्मी मम्मी बताओ क्या करती है, एक इंटरेस्टिंग बात कि कहीं भी जाती है ना सामान लेने, पैसे देने भूल जाती है, क्योंकि मम्मी को आदत पड़ गई है ना कि फ्री में लेके आना है। तो मम्मी सब जगह अपनी दुकान समझती है। तो अभी नीचे चलते और अचार के साथ हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है दोस्तों, अगर यहाँ आसपास के लोगों को अचार लेना हो तो आप ले सकते हो। और मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ, पापा से मैंने इसके लिए पैसे लिए हैं पूरे पूरे अचार के प्रमोशन के लिए। तो चलो चलते, ठीक है। ये देखो दुकान में हम आ गए हैं, लाला जी गायब हो रखे हैं यहाँ से। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था, ये है अचार और इसके साथ मिल रहा है केचप फ्री 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 फ्री, इतना बड़ा केचप का। तो जिसको भी लेना होगा लाला जी से संपर्क करें। और ये सच में पेड प्रमोशन है ना पापा, कितने पैसे दोगे इस प्रमोशन के मुझे? ये आप ले सकते हो, ये वाला अचार मिक्स वाला है और इसके साथ सॉस मिल रहा है। लो भाई भाई साहब, सुबह डाइटिंग और अभी दाल भात और विद अचार। एक टाइम आप फुल खाना खाओ, मतलब दही भी खाओ तो भुज्जी भी खाओ तो दाल भात खाओ और अचार के साथ, कोई टेंशन नहीं। और तारक मेहता देखो मुझे से। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपना डांस वाला रूम दिखाऊंगी। वैसे तो स्टोर रूम है लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको डांस रूम टाइप का बनाया है। तो चलो नीचे चलते हैं, जो हमारी शॉप है ना उससे भी नीचे वाला कमरा है, सबसे नीचे, वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, इतने नीचे। तो चलो अभी वहाँ पर चलते, ठीक है। ये मेरा डांसिंग रूम, यहाँ पे मैंने शीशा भी लगा रखा है, लेकिन मैं खुद ही यहाँ पे बहुत कम आती हूँ। मतलब स्वीटी और मैं आते थे, स्वीटी आजकल गांव जा रखी है तो इसकी वजह से यहाँ पे कम ही आना हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा यार इतना बड़ा शीशा लगा है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पे हम मतलब जो फालतू सामान है वो रख देते। और काफ़ी बड़ा रूम है ये, और इसकी खास बात बताओ क्या है, जब गर्मी होती है ना एकदम भीषण वाली गर्मी, यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। वैसे तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, लेकिन कभी कभी जून जुलाई के महीने में, इस बार तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा होती है जब, तो हम यहीं आ जाते आराम करने के लिए। हमने बेड भी लगा रखे पर कम ही आना होता है। मतलब एक तरह से स्टोर रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, हमने जो सारा एक्स्ट्रा सामान है ना वो इसी रूम में रखा है। ये आप देख सकते हो, ये पुराने ज़माने का सामान रखने वाला। और यहाँ पे मम्मी का ढोलक, ये रैक, और ये जो स्पेस है ना ये सबसे मस्त वाली स्पेस है। यहाँ पे तो कितना ही सामान आ जाएगा। और बचपन में हम ना यहीं छुपते थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो यहाँ पे हमने जितना भी एक्स्ट्रा सामान है सब यहीं पे डाल रखा। और ये रहा मेरा शीशा, ये देखो अंधेरा आ रहा है। तो भाई यही है मेरा डांसिंग रूम और यही मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी है। तो बस इस रूम में हवा आने का एक तो दरवाज़ा और एक यही साधन है, छोटी सी खिड़की। तो गाइस अब यहाँ पे लाइट चली गई है और मैंने बोला था ना खिड़की सहारा है, खिड़की से ही उजाला आता है यहाँ पे। और यहाँ पे जाओगे एकदम अंधेरा हो जाएगा, मतलब रोशनी बिल्कुल कम आती है क्योंकि ये सबसे नीचे कोठरी बोल सकते हैं, सबसे अंधेरा अंधेरा रहता है। और बरसात में यहाँ पे सीलन भी हो जाती है, मतलब ऐसा वाला रूम है ये सबसे नीचे, इसीलिए हमने इसको स्टोर रूम बनाया। और मुझे इस स्टोर रूम में एक और चीज़ मिली है, मैं दिखाती हूँ आपको, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी इसको देख के।
ये देखो बहुत ही एंटीक पीस है रेडियो, जो कि अब बहुत कम सुनाई देता है। वैसे इसका अच्छा वाला वर्जन आ गया है सारेगामा, जिसमें 5000 सॉन्ग है पुराने वाले। तो ये रेडियो बहुत पुराना है, पापा यूज़ करते थे इसे दुकान में। अब इसके कुछ ऐसे हालात है, लेकिन ये चीज़ संभाल के रखनी चाहिए, हमें याद आती है ना। तो गाइस नीचे तो लाइट चली गई थी, अब यहीं पे करना पड़ेगी एक्सरसाइज। और ये देखो ट्राइपॉड भी ले आई हूँ मैं, थोड़ी बहुत रील्स बनाऊंगी, तो वो रील्स आप इंस्टाग्राम पर देखना, ठीक है। तो ये ब्लॉग आज का हम यहीं पे एंड कर देते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय किया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।